अरे भाभी जी, सुना भाई साहब के सिर पर टीवी पटक दिए। जी से भाई साहब चल बसे। गुस्सा तो बहुत बुरी चीज है भाभी जी, अब तो पछतावा हो रहा होगा। क्या है? इतना फटेहाल क्यों घूम रहे हो? थोड़ा बन ठन के रहा करो। महंगाई देख रही हो कितनी है, अगर हम बन ठन के रहेंगे तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा लाओ 5,000 रुपया दो। 5,000 रुपये? क्या चीज का 5,000 रुपये? अरे हमारे भी कुछ खर्चे हैं। तुम्हारा क्या चीज का खर्चा है? घर का राशन हमारे पैसों से आता है, सिलेंडर हम भरवाते हैं, बिजली का बिल हम भरते हैं, टीवी में रिचार्ज हम कराते हैं, शादी बर्थडे में गिफ्ट हम देते हैं, गाड़ी में पेट्रोल हम भरवाते हैं, पेपर का पैसा हम देते हैं, तो तुम्हारा क्या चीज का खर्चा है? हमारा खर्चा है, हमारा शॉपिंग खर्चा है, किटी पार्टी का खर्चा है, पार्लर का खर्चा है। अगर शराफत के साथ पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा थोबड़ा तोड़कर अस्पताल पहुँचाने का खर्चा मेरा ही। अरे तू 5,000 पैसा क्यों लेगी? 10,000 लो, मैं तो मजाक कर रहा था। बिटिया क्या है मम्मी, आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी, और होने वाली सास तुमसे पूछे कि बिटिया ससुराल में क्या क्या करोगी तो उसे बताना, घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी, और समय मिलेगा तो पति देव का पुराने स्वेटर उधर कर फिर बिनूंगी, ससुर जी के लिए गर्म तेल में पकौड़े तलूंगी, और माँ जी आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिल दूंगी। ठीक है मम्मी, बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी, और बिटिया बताओ शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिलेगा तो पति देव को उधर कर फिर बिनूंगी, ससुर जी को गर्म तेल में तल दूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। क्या बात है भाई साहब, आज सुबह से पूरे मोहल्ले भर में आप मिठाई बांट रहे हैं। हाँ भाभी जी, आज सुबह मेरा गधा खो गया, इसीलिए मिठाई बांट रहे हैं। गधा खो गया, इसमें मिठाई बांटने वाली कौन सी बात है? अरे भाभी जी, गरिमत है कि उस समय हम गधे पर नहीं बैठे थे, नहीं तो हम भी खो जाते। जी भगवान को खुश करने के लिए अगर बत्ती जलाना जरूरी है क्या? अरे नहीं बेटा। आप इतनी अगरबत्ती क्यों जलाते? नहीं बेटा, भगवान को खुश करने के लिए थोड़े अगरबत्ती जलाते। फिर बेटा, अगरबत्ती जलाने के बाद जो सीख बचती है ना, उससे दांत खोदने का मजा ही अलग। हेलो जी, मैडम एयरपोर्ट से बोल रही हैं। जी भाई साहब। अच्छा ये बताइए, पंजाब से अमेरिका जाने में कितना समय लगता है? जस्ट एक सेकंड सर। छोड़ो यार, लगता है MMP के बैठी है। अरे वकील साहब मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया भाई, मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, मुझे बचा लीजिए। हाँ तो मैं लूंगा, लेकिन मेरा फीस पूरे 50,000 रुपया है, दे पाओगे? अरे वकील साहब मुझे बचा लीजिए, मैं आपको पूरे 2,00,000 रुपया लिखा है। अदालत में कुछ भी पूछा जाए उसका सवाल में बे बोलना। क्या बोलोगे? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा बाप का नाम क्या है? कहाँ रहते हो? ये बे बे क्या लगा रखा है? जज साहब, मेरा मुवक्किल दिमागी रूप से बहुत कमजोर है, उसको झूठे केस में फंसाए। तमाम गवाहों पर नजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आलू बेकसूर है, वह कोई हत्या नहीं की है, उसको झूठे केस में फंसाया गया है। हाँ भाई, क्या एक्टिंग किया, मजा ही आ गया। लाओ मेरा फीस दे दो। बे, अरे मैंने ही तुमको बे बे करना सिखाया और मुझे ही बे कर दे। हाय रे, हम तो बर्बाद हो गया, मैं तो लूट गया, ये गावार ने हमको